स्वागत है दोस्तों आप सभी का न्यूज पर एक बार फिर से। जी हाँ, आइए बात करते मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में। अपन जानेंगे आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। बहुत सारे से इम्पोर्टेंट नए नियम, नए कानून कायदे अपडेट निकल कर आ रहे हैं। बिल्कुल बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलते हैं आपको पहले अपडेट में। तो देख पा रहे कि खुशखबरी है आ रही है नौकरियों की बहार, इन 7 सेक्टर्स में बंपर भर्ती होगी। जी हाँ, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही अच्छी खबर है दोस्तों। इस नए साल की मार्च तिमाही तक यानी कि मार्च शुरू हो चुका है और ऐसे में नौकरियों की अच्छी बहार आने वाली है। इन सेक्टर्स में अच्छी खासी नौकरी आ सकती है जिसमें हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल्स, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT, ई कॉमर्स, टेक, स्टार्टअप, एजुकेशनल सर्विसेज, पावर, एनर्जी, लॉजिस्टिक सेक्टर्स वगैरह वगैरह। तो इनमें बहुत जल्द बंपर भर्तियां निकलने वाली हैं। अगर आप भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं तो कंटिन्यू रखिएगा ना। और अगला अपडेट देख पाएंगे दोस्तों, कर्नाटक के अंदर एक नया नियम बना दिया गया है। अब रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक महिलाओं को घर छोड़ेगी पुलिस। जी हां दोस्तों, देश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराधों के मद्देनजर कर्नाटक पुलिस ने एक अनोखी पहल शुरू की है और यहां की पुलिस रात में महिलाओं को उनके घर पर छोड़ने का काम कर रही है। पुलिस का यह कार्य एकदम मुफ्त यानी कि फ्री में है। रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच अगर कोई महिला कहीं सड़क पर जा रही है तो बिल्कुल वो पुलिस को फोन कर सकती है। पुलिस खुद गाड़ी लेकर आएगी और महिला को साइकिल उनके घर पहुंचाने का काम करेगी। तो एक अच्छी पहल है कर्नाटक पुलिस की तरफ से। चलिए बात करते दोस्तों अगले अपडेट की। तो देख पा रहे सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है, सिर्फ एक पद के लिए कोई भी आरक्षण नहीं हो सकता है। नया नियम देख पा रहे कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कहा कि एकमात्र एक पोस्ट के लिए कोई भी आरक्षण नहीं हो सकता। यानी कि अगर किसी डिपार्टमेंट में एक पद पर कोई भर्ती निकली है ना तो उसके लिए कोई भी रिजर्वेशन आरक्षण वगैरह SC ST OBC जनरल ये नहीं माने जाएंगे। तो ये एक नियम आप देख पा रहे। चलिए साथ ही नेक्स्ट अपडेट आ रहा दोस्तों टेक न्यूज के तहत। देख पा रहे आईफोन यूजर्स के लिए गूगल मैप्स में एक खास फीचर आया। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से अपन ब्राउजर वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना, फायरफॉक्स, क्रोम वगैरह, इनमें आपको एक फीचर मिलता है इनकॉग्निटो मोड जिसमें आप प्राइवेसी में वेब सर्फिंग कर सकते हैं, राइट। ठीक इसी तरह का गूगल मैप्स में भी अब iOS यूजर्स के लिए फीचर रोल आउट हो चुका है और इसमें आप गूगल मैप्स आप चेक कर सकते हैं, इनकॉग्निटो मोड में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपकी प्राइवेसी रहेगी, आपकी लोकेशन को कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता। ज्यादा जानकारी आप इसके बारे में देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, अमेरिका नासा अंतरिक्ष में होटल लॉन्च करेगा, इसमें सिर्फ 2 रोबोट रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने रोबोट्स के लिए स्पेस में होटल बनाने का फैसला किया। इसमें सिर्फ रोबोट ही ठहर सकेंगे, इसे रोबोट होटल के नाम से जाना जाएगा। दरअसल दोस्तों, नासा अंतरिक्ष में रोबोटिक टूल स्टोच को अपने अगले लॉन्च के साथ रोबोट होटल भी अटैच कर रहा और इसे अंतरराष्ट्रीय रोबोट स्टेशन ISS के बाहर रखा जाएगा। ये एक साइंस को लेकर नया अपडेट देख पा रहे। और साथ ही अगली खबर आ रही दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 33 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है कैबिनेट मीटिंग में, जिसमें सबसे खास प्रस्ताव रहा खोले जाएंगे 218 नए फास्ट ट्रैक। फास्ट ट्रैक का मतलब ऐसे कोर्ट दोस्तों जिनमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो अपराध होते हैं ना उनका फास्ट तेजी से निर्णय लिया जाता है, क्योंकि ये अगर हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में फैसले चलते हैं तो ज्यादा लंबे खिंच जाते हैं। इसीलिए सरकार दोषियों को जल्द सजा दिलाने के लिए ठोस कदम उठाने जा रही है और सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में प्रदेश में कैबिनेट पॉक्सो एक्ट व इससे संबंधित वादों के शीघ्र निस्तारण के लिए 218 नए फास्ट ट्रैक खोले जाने की मंजूरी मिल चुकी है। तो दोस्तों, ये महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए स्पेशली बहुत ही अच्छी खबर है। अच्छा, अगला अपडेट देख पा रहे। बंगलुरु में बनेगा देश का पहला आवासीय एयर प्यूरिफाइड टावर। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली समेत देश के तमाम बड़े शहरों में प्रदूषण एक बड़ी समस्या बनता जा रहा, वायु प्रदूषण है ना, और इसी से निजात पाने के लिए अब इन शहरों में एयर प्यूरिफाई लगाने की मांग उठने लगी है। यानी कि इस तरह का, जिस तरह की आप पिक्चर देख पा रहे हैं ना, इस तरह का एक बड़ा टावर बनाया जाएगा, जिस तरह से मोबाइल टावर होते हैं नेटवर्क सप्लाई करने के लिए, उसी तरह से ये एयर प्यूरिफाई टावर होगा जो शहर की हवा को, प्रदूषित हवा को सोखेगा और वापस प्यूरिफाई करके हवा को रिलीज करेगा। तो ये देख सकते हैं, इस बीच रियल एस्टेट फर्म पूर्वांकरा जो है अपने नए आवासीय प्रोजेक्ट में एयर प्यूरिफाई टावर भी बनाने जा रही है। देश का पहला एयर प्यूरिफाई टावर होगा आवासीय क्षेत्र के अंदर। तो ये अच्छी पहल है, इस टावर की 40 फुट ऊंचाई होगी और कुल मिलाकर के हवा को शुद्ध करने का काम करेगा। और अगला अपडेट देख पाएंगे दोस्तों, रेलवे की तरफ से एक नया नियम है, ट्रेन के शौचालय में अब नहीं मिलेंगे स्टील के मग। रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया। जी हां, ट्रेन से बराबर यात्रा करने वाले झांसी के यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। जल्द ही रेलवे ट्रेन के भारतीय पद्धति के शौचालय में जंजीर से बंधे मग, पानी का डिब्बा की व्यवस्था समाप्त करने जा रही है। उसकी जगह वेस्टर्न शौचालय में लगने वाले हैंड शोवर लगाए जा रहे हैं। ये शोवर जल्द ही मंडल से संचालित होने वाली ट्रेनों के 534 कोचों में लगेंगे। रेल मंडल से संचालित 25 से अधिक ट्रेनों में 508 कोच लगे हैं, 26 कोच स्पेयर में रहते हैं और इन सभी कोचों में बायो टॉयलेट की सुविधा प्रदान कर दी गई है। अच्छी पहल है। अगला अपडेट देख पा रहे दोस्तों, मद्रास हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला है, अविवाहित जोड़ों का होटल में ठहरना अपराध नहीं है। जहां लड़के लड़कियों के लिए, खास करके बालिग लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लवर्स के लिए अच्छी खबर है। अगर कोई प्यार करने वाले, एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले लड़के लड़की, युवक युवती बिना शादी के भी अगर किसी होटल के कमरे में ठहरते हैं ना, ये किसी का अपराध नहीं होगा। बालिग अविवाहित, इस तरह का एक फैसला आया और उसी फैसले में केस में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये फैसला दिया, अच्छी बात है। और अगला अपडेट देख पा रहे दोस्तों, आईफोन के बाद एंड्रॉइड के लिए आया व्हाट्सएप में कॉल वेटिंग का फीचर। जी हां, व्हाट्सएप ने अपने एंड्रॉइड यूजर्स के लिए कॉल वेटिंग का फीचर जारी करना शुरू कर दिया और इससे पहले इस फीचर को iOS के बीटा
बीटा वर्जन पर देखा गया था। इस फीचर के आने के बाद यदि कोई यूजर व्हाट्सएप पर किसी से बात कर रहा और इसी दौरान कोई दूसरा यूजर उसे कॉल कर रहा ना, तो उसकी कॉल वेटिंग में दिखेगा। जिस तरह से अभी मेन कॉलिंग में होता ना वेटिंग, इस तरह का व्हाट्सएप में बहुत जल्द ये फीचर आपको देखने मिलेगा कि वेटिंग व्हाट्सएप कॉल, हालांकि अभी बीटा वर्जन में चल रहा है। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, एटीएम से जुड़ी धोखाधड़ी को रोकने के लिए आरबीआई ने एक नई गाइडलाइंस बनाई है। जहां इन दिनों एटीएम ट्रांजैक्शन से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले बढ़े हैं और इसे देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एटीएम ट्रांजैक्शन को सुरक्षित करने के लिए गाइडलाइन जारी की है। अपनी द्विमासिक स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसी में केंद्रीय बैंक ने कहा कि कुछ बैंक एटीएम से जुड़ी सेवाओं के लिए थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर पर निर्भर होते हैं और एग्रीमेंट में साइबर कंट्रोल शामिल करना होगा। इन सर्विस प्रोवाइडर्स पर साइबर खतरा बना रहता है और इसके साथ ही ये पेमेंट सिस्टम से भी जुड़े होते हैं और इसलिए आरबीआई ने यह फैसला किया है कि बैंकों और दूसरी रेगुलेटेड इकाइयों के लिए थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ अपने एग्रीमेंट में कुछ अनिवार्य साइबर कंट्रोल को भी साइबर सिस्टम मजबूत करने के लिए शामिल करना जरूरी होगा। ये आरबीआई की तरफ से एक नया गाइडलाइंस और सिस्टम आप देख पा रहे। अच्छा अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, जेईई मेन में नहीं होगा 12वीं के अंकों का वेरिफिकेशन, एनटीए ने खत्म कर दी इस तरह की व्यवस्था। जहां इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेईई मेन में इस बार 12वीं के अंकों का वेरिफिकेशन नहीं होगा, एनटीए ने इसकी व्यवस्था खत्म कर दी है। लिहाजा छात्रों को अपना 12वीं का रोल नंबर भी अपडेट नहीं करना होगा। एनटीए ने साफ किया कि देश के किसी भी बोर्ड के छात्रों का 12वीं के अंकों का वेरिफिकेशन नहीं होगा। इस तरह की ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। और अगला अपडेट आ रहा है, ट्रेन में महिलाओं दिव्यांगजनों की आरक्षित सीटों पर सफर करने वालों की अब खैर नहीं। रेलवे की तरफ से एक और सख्त नियम देख पा रहे। भारतीय रेलवे को लगातार शिकायतें मिल रही थी दोस्तों की देश भर में आरक्षित ट्रेनों में खास तौर से जो दिव्यांगजन और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें हैं उस पर अवैध रूप से यात्री सफर करते हैं। लिहाजा रेलवे सुरक्षा बल ने देश भर में अलग अलग रेलवे जोन में अभियान चलाया और दो दिन के इस अभियान में 12,825 यात्रियों को अवैध रूप से यात्रा करने चलते गिरफ्तार भी किया गया। और ऐसे में रेलवे में कानून बना दिया गया दोस्तों की अब आरक्षित सीट पर कोई भी सफर नहीं कर सकता और स्पेशली दिव्यांगजनों की आरक्षित सीट पर कोई नहीं बैठ सकता। अच्छा अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, अब मोबाइल से बुक करें डीजल, घर बैठे होगी डिलीवरी। भारत पेट्रोलियम ने इस तरह की नई सुविधा शुरू कर दी है। अगर आप पेट्रोल डीजल वगैरह भरवाना चाहते हैं तो अब आपको पेट्रोल पंप जाने की जरूरत नहीं होगी। देश की प्रमुख पेट्रोलियम कंपनी भारत पेट्रोलियम ने ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए होम डिलीवरी सर्विस शुरू की है। कंपनी ने अपने इंडस्ट्रियल और बल्क कस्टमर्स के लिए डीजल की होम डिलीवरी शुरू कर दी है। फिलहाल इसे नोएडा में ही शुरू किया गया और इस सर्विस की शुरुआत नोएडा के सेक्टर 95 स्थित शहीद रमेंद्र प्रताप सिंह पेट्रोल से की गई है और बहुत जल्द दोस्तों धीरे धीरे सुविधा देश के अलग अलग शहरों में भी हमें देखने मिलेगी। अच्छी बात है। अगला अपडेट देख पा रहे हूं दोस्तों, नए आईफोन जो आएंगे ना 2020 में उनमें चार्जिंग पोर्ट नहीं मिलेगा, आईफोन इस तरह से चार्ज होंगे। जहां दोस्तों साल 2020-2021 में लॉन्च होने वाले एप्पल बड़े बदलाव के साथ स्मार्टफोन्स निकाल कर आ रही है और अभी तक 2021 में लॉन्च होने वाले आईफोन की डिजाइन और साइज को लेकर ही रिपोर्ट सामने आ रही थी, लेकिन अब एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा दोस्तों कि नए आईफोन में चार्जिंग पोर्ट भी नहीं मिलेगा। इसकी जानकारी एप्पल के एनालिस्ट मिंग चू को ने दी है। और वैसे भी दोस्तों एप्पल कंपनी नए नए इनोवेशन के लिए जानी जाती है और एप्पल में हमें अगले आने वाले नए आईफोन मोबाइल फोन में इस तरह के अपडेट देखने मिलेंगे। चलिए अगला अपडेट आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला, इस्तीफा देने के बाद सरकारी कर्मचारी पेंशन का हकदार नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई सरकारी कर्मचारी खुद इस्तीफा देता है तो वो पेंशन का हकदार नहीं होगा। देखिए इस तरह का फैसला निकाला गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी इस्तीफा दे देता है तो वह सेंट्रल सर्विस सिविल लाइन की यानी कि CCS पेंशन रूल्स के तहत पेंशन पाने का हकदार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि इस्तीफा के कारण कर्मचारी अपनी पिछली सेवाओं को खो देता है। केंद्र सरकार ने BSES यमुना पावर लिमिटेड से इस्तीफा देने वाले एक कर्मचारी के मामले में इस्तीफा और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का अंतर स्पष्ट करते हुए ये फैसला दिया है। ज्यादा जानकारी आप इसके बारे में स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, अब गांव में डाकिया से भी खरीद सकेंगे इंश्योरेंस पॉलिसी। इरडा ने इसको लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। जी हाँ, आप जल्द ही डाकिया और ग्रामीण डाक सेवक आपको इंश्योरेंस पॉलिसी भी बेच सकेंगे। इंश्योरेंस रेगुलेटरी भारतीय बीमा विनियामक यानी कि इरडा जो है ना IRDAI उसने डाक विभाग पोस्ट ऑफिस के पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवक को पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन नियुक्त करने के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। इनकी नियुक्ति इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB द्वारा की जाएगी और ये डाकिये और ग्रामीण डाक सेवक अधिकतर दूर दराज और ग्रामीण इलाकों में इंश्योरेंस पॉलिसी बेचेंगे। इससे वित्तीय समावेश तो बढ़ेगा और साथ ही देश में इंश्योरेंस की सुविधा भी ज्यादा लोगों तक पहुँच पाएगी। वैसे दोस्तों शहरी क्षेत्र के जो लोग होते हैं ना वो तो इंश्योरेंस बीमा वगैरह में समझते भी हैं और पॉलिसी भी ले लेते हैं LIC वगैरह कहीं से भी, लेकिन गांव में अभी तक भी ऐसी सुविधाएं नहीं है। तो ये पोस्टमैन के द्वारा ये सुविधा बहुत ही अच्छी शुरू की गई इरडा की तरफ से। अच्छी बात है, अब गांव तक भी इंश्योरेंस की पहल बढ़ेगी, लोगों में जागरूकता होगी और इंश्योरेंस पॉलिसीज भी बढ़ेगी। अच्छा अगला अपडेट देख पा रहे, जांचने के बाद विद्यार्थियों को दिखानी होगी उत्तर पुस्तिका, फिर परिणाम जारी होगा। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंदर शिक्षा विभाग की तरफ से इस तरह का अपडेट लिया गया इस बार कि 9वीं से लेकर 12वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षाएं जो होंगी ना उनको अब एग्जाम रिजल्ट्स अनाउंस करने से पहले उत्तर पुस्तिका परीक्षा खत्म होने के बाद जांची गई उत्तर पुस्तिका छात्रों को दिखानी होगी ताकि वे अवलोकन कर सके, अपनी कमियों को जान सके और फिर ही परिणाम अपलोड होगा। शासन ने इस बदलाव के साथ ही हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल लो अर्धवार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल भी जारी कर दिया वगैरह वगैरह, इसकी इन्फॉर्मेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगली खबर आ रही है दोस्तों, भारतीय रेलवे ने खड़ा किया दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई नेटवर्क, हर स्टेशन पर अब आपको सुविधा मिलेगी। जहां दोस्तों देश के अंदर भारतीय रेलवे जो ना वो दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई नेटवर्क खड़ा कर चुका है। अभी तक भारतीय रेलवे के अंदर 5,000-6,000 तक रेलवे स्टेशनों पर फ्री वाईफाई की सुविधा भी शुरू हो चुकी है। पहले गूगल भी इसके साथ में थी लेकिन अब गूगल हट भी गई है, तो भी रेलवे ओपनली इंडिपेंडेंटली वाईफाई की सुविधा को अभी भी जारी रखे हुए हैं। तो ये पूरे भारत देश के लिए भी बड़े ही गौरव की बात है दोस्तों की
भारतीय रेलवे इस तरह का रेलवे सिस्टम है जो दुनिया में सबसे बड़ा वाईफाई नेटवर्क बन चुका है। अच्छा, अगला अपडेट देख पा रहे होंगे, तैयारी है बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं में गरीबों के नुकसान की भी होगी भरपाई। इरडा लॉन्च करेगा नया इंश्योरेंस। जी हां दोस्तों, अभी तक इंश्योरेंस पॉलिसीज में कई जगहों पर इस तरह के रूल्स रेगुलेशंस नहीं है जिनमें लोगों के घर वगैरह में प्राकृतिक घटनाओं में अगर कोई गरीबों को नुकसान होता ना तो उसके तहत बीमा क्लेम उन्हें नहीं मिलता। और ऐसे में देश में पिछले कुछ सालों में प्राकृतिक आपदाओं की संख्या में तेजी इजाफा भी बढ़ोतरी भी हो रही है और इसमें सबसे ज्यादा देश की गरीब आबादी प्रभावित हुई है। और ऐसे में देश की गरीब आबादी के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इरडा जो है ना उसने सरकारी फंडेड बीमा कवर CAT को लॉन्च करने की तैयारी कर दी है। और इस प्रोजेक्ट के मुताबिक दोस्तों अब ऐसी घटनाओं के नुकसान पर भी लोगों को इंश्योरेंस मिलेगा, बीमा क्लेम मिलेगा, तो ये अच्छी खबर है। और इसके साथ ही दोस्तों आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज हेडलाइंस, न्यूज का अपडेट वीडियो फिनिश होता है। और हाँ, साथ ही आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं ताकि पर्टिकुलर हम आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाएंगे। दिल से इस वीडियो को लाइक भी करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।